हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे मिथ की जो रेजिस्टेंस स्पोर्ट के बारे में मैक्सिमम ट्रेडर्स को है। और ये रेजिस्टेंस स्पोर्ट हमारा बहुत ही बेसिक पार्ट है। अगर आपका ये मिथ रिमूव हो गया, अगर आप वीडियो का एंड तक देखेंगे और आपका ये मिथ रिमूव हो गया, तो डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। तो चलिए बात करते हैं उस मिथ की। लेकिन इस वीडियो में ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को रेजिस्टेंस स्पोर्ट मार्क करनी आती है। यहाँ पे हम वो नहीं सिखाएंगे कि कैसे रेजिस्टेंस स्पोर्ट मार्क करनी है। अगर आप लोगों को रेजिस्टेंस स्पोर्ट मार्क करनी नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर काफी कमेंट्स आए तो हम एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे रेजिस्टेंस स्पोर्ट मार्क करते हैं। तो अभी मैं ये एज्यूम करूंगा कि आपको आती है। तो चलिए उस मिथ की बात करते हैं। चलिए पहले हम क्या करते हैं मार्केट में, जब भी हम मार्केट में आते हैं तो हम रीड करते हैं कि हमारे पास ये स्पोर्ट है। मान लीजिए निफ्टी का स्टॉक है 15 मिनट में। अब 15 मिनट में यहाँ से मार्केट ऊपर गई तो मेरे लिए मान लीजिए ये एक स्पोर्ट है। ऑल्दो ये एक 15 मिनट की स्पोर्ट है तो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी। और मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, और जब भी मार्केट इसके पास आएगी, दिस इज व्हाट वी स्टडी, जब भी मार्केट इसके पास आएगी यहाँ पे, तो हम क्या ढूंढते हैं यहाँ पे कि इस एरिया में, यहाँ पे इस एरिया में क्या होगा। जब भी मार्केट इस एरिया में आएगी तो यहाँ पे एक कोई बुलिश कैंडल बनेगी। अब वो बुलिश कैंडल कोई भी हो सकती है, डोजी भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक डोजी बना जो कि एक रिवर्सल का साइन है, यहाँ पे एक बुलिश मारुगोजु कैंडल भी हो सकती है, यहाँ पे एक हैमर भी हो सकता है, मॉर्निंग स्टार भी हो सकता है, मतलब कोई भी एक्स वाई जेड कैंडल जो आप लोगों ने स्टडी कर रखी है। आप उस कैंडल को देखेंगे इस लेवल के आसपास, यहाँ पे बाय प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट में लेंगे। सो दिस इज व्हाट वी स्टडी इन बुक्स या फिर हम यूट्यूब पे वीडियो जो देखते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पे तो हो गया, हर बार ऐसा नहीं होगा। आप लोग अगर ट्रेडिंग में हो पिछले कुछ मंथ से या कुछ सालों से, तो आपने देखा होगा कि हर बार प्राइस वहां पे नहीं आएगा और वहीं से बाउंस नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, प्राइस नीचे चला जाता है और कभी कभी प्राइस ऊपर से ही निकल जाता है। अब उसके पीछे क्या रीजन है, चलिए पहले हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे प्राइस एग्जैक्टली उस लेवल के पास नहीं आएगा और इधर उधर से निकल जाएगा। ये भी एक निफ्टी 50 का चार्ट ही है 1 डे टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे मैं एक लेवल मार्क कर रहा हूँ, जैसे हम एक बिल्कुल रीसेट एग्जांपल देख लेंगे। यहाँ पे मैं इन्होंने हाई मार्क कर दिया, तो डेफिनेटली डेली टाइम फ्रेम का हाई है, तो उसको शॉर्ट टाइम फ्रेम में अच्छे से काम करना चाहिए। काफी अच्छी स्पोर्ट है ये। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या हुआ मार्केट में। चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। पहले अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये हुआ यहाँ पे। अब ये हमने कभी भी स्टडी नहीं किया होता, हमने तो स्टडी किया होता कि मार्केट नीचे आएगी, बिल्कुल हमारे लेवल के पास आएगी और यहाँ से बाउंस कर जाने। लेकिन ये क्या हो गया, मार्केट तो ऊपर नीचे होने शुरू हो गई। तो क्या रीजन है इसके पीछे? एक्चुअली इसके पीछे रीजन ये है कि मार्केट में कभी भी एक लेवल बाइंग सेलिंग का नहीं होता। ये आप बात समझ लीजिए, बाइंग सेलिंग का कोई भी एक लेवल नहीं होता। जब भी आप एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन मार्क करते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वहां पे एक लाइन नहीं होती, एक्चुअल में वहां पे एक जोन होता है। मान लीजिए ये लाइन है तो आप दिमाग में रखिए कि यहाँ पे एक जोन है। मार्केट में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ये भी हो सकता है कि मार्केट आए ऊपर से, फाइन, यहां से आए और इस जोन को टच करे और वापस चले जाए, फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो, अगर आप बहुत लकी हैं तो हो सकता है मार्केट आए और आपके लेवल को टच करे, जैसे हमने पिछली केस में देखा था, और ऊपर चले जाए। थर्ड सिनेरियो कुछ भी कि मार्केट आए और इससे थोड़ा सा नीचे चले जाए और उसके बाद वापस आ जाए। अब ये जोन की रेंज आपको डिसाइड करनी पड़ेगी क्योंकि ये स्टॉक के डिपेंडेंट होती है। जैसे अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी की ये रेंज अराउंड 10 to 15 points की होती है, मींस अराउंड 10 to 12 points ऊपर नीचे हो सकती है निफ्टी। तो वो अलग अलग स्टॉक्स के लिए अलग अलग रेंज होती है। जब आप स्टॉक को या इंडेक्स को ट्रेड करोगे तो आपको वो आइडिया हो जाएगा। तो ये एक रेंज होती है, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये रेंज है। मार्केट आपकी यहां से भी बाउंस हो सकती है, यहां से भी बाउंस हो सकती है और यहां से भी बाउंस हो सकती है। चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं इसी से रिलेटेड। डोंट वरी, आप ये मत सोचिए कि इसका क्या सोल्यूशन होगा, तो मैं एंड पे हम सोल्यूशन की बात भी करेंगे। ये बैंक निफ्टी का स्टॉक है डेली टाइम फ्रेम में। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये काफी अच्छी खासी रेजिस्टेंस है हमारे पास, जो काफी पहले थी, और अभी रिसेंटली क्या हुआ जब मार्केट इसके पास है। चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं कि क्या हुआ जब मार्केट इसके पास है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये हुआ इसके पास, मार्केट ऊपर गई और इसने इस लेवल को टच नहीं किया। तो वही सेम सिनेरियो जैसे मैंने आपको कहा था कि इट इज नॉट कंपलसरी कि मार्केट बिल्कुल उसके पास जाके मार्केट ने यहीं से एक यू टर्न मार लिया, सेकंड टाइम गई, फिर वहीं से वापस आ गई और फिर नीचे जाना शुरू कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लेवल गलत है। इट डज नॉट मीन कि जो आपने रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क किया है वो गलत है। नो, इट इज नॉट सो। आपका लेवल सही हो सकता है लेकिन आपको इस लेवल को भी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी नेक्स्ट टाइम। तो आप इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम के किसी लेवल में मार्क कर सकते हैं, ब्लैक लाइन में, किसी ऐसे कलर में मार्क कर लीजिए कि ये एक टेम्परेरी लेवल है आपके लिए। अब मैं अपनी बात करूं तो मैंने इसका क्या सोल्यूशन निकाला। लेट्स सपोज मेरे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है,
तीन सिनेरियो की बात की हमने, मार्केट आएगी और इससे पहले यू टर्न मार जाएगी। इस सिनेरियो में मैं ट्रेडिंग नहीं करता, क्योंकि इट इज वेरी टफ टू डिसाइड कि कहां से मार्केट यू टर्न मार लेगी और ये यू टर्न है कि जस्ट रिट्रेसमेंट है। तो इस सिनेरियो में थोड़ी डिफिकल्टी आ जाती है, तो यहाँ पे मैं ट्रेडिंग नहीं करता। देर आर टू सिनेरियोस दैट आई एम ट्रेडिंग। वन, अगर वो बिल्कुल एग्जैक्टली उस लेवल के पास जाए और वापस आ जाए, फाइन। सेकंड सिनेरियो इज जब वो ऊपर चली जाती है उससे और तब वापस आ जाए। अब जब ऊपर जाएगी हो सकता है डबल टॉप बना के वापस आ जाए, फाइन। तो ऊपर जाने वाले केस में क्या कर सकते हैं आप, उसको थोड़ा टाइम दे दीजिए कि अगर वो ऊपर सस्टेन हो रही है इस एरिया में, तो फिर तो मान लीजिए कि ब्रेकआउट हो गया। अगर वो ऊपर गई लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रही, वापस नीचे आ रही है, फिर ऊपर गई फिर नीचे आ रही है, इट मींस ये सस्टेन नहीं होने वाली, मार्केट नीचे आएगी, आप सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। अब एंट्री कहाँ पे होगी, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, वो आपके सेटअप के अकॉर्डिंग हो सकता है। आने वाले दिनों में हम भी बात करेंगे अलग अलग ट्रेडिंग सेटअप्स के, कि कहाँ पे आप एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने आपका एक मिथ रिमूव करने की कोशिश की है, इससे आपकी ट्रेडिंग में डेफिनेटली बहुत ही हेल्प होगी। इनिशियल स्टेजेस में मैं भी इस मिथ को लेकर चल रहा था, लेकिन जब मैंने लाइव मार्केट से सीखा ये चीज कि एग्जैक्टली मार्केट वहां पर नहीं आती, तो काफी इंप्रूवमेंट आ गई। आपको थोड़ी सी स्पेस देके चले, जब मार्केट ऊपर भी चली है, इट डज नॉट मीन के लेवल इज ब्रोकन। अगर प्राइस थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि लेवल ब्रेक हो गया। उसको सस्टेन होने दीजिए और उसको प्रॉपर रीटेस्ट करके जाने दीजिए, देन द लेवल इज ब्रोकन। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना। अगर आपको एक वीडियो चाहिए कि रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइंस कैसे मार्क करते हैं परफेक्टली, तो उसके लिए भी कमेंट कर देना, हम वो भी बना देंगे। और नेक्स्ट वीकेंड पे आपको कौन सी लर्निंग वीडियो चाहिए, आप उसके लिए भी कमेंट कर देना, हम उसके लिए कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स में से कोई वीडियो लेंगे जिसको हम बना देंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।